अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर नंबर 88 स्टार्ट करेंगे जो कि है जिम्नोस्पर्म। तो पहले इसके नाम पे गौर करते हैं कि इसका मतलब क्या है जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नो जो वर्ड है इसका मतलब है नेकेड और स्पर्म्स रिलेटेड है सीड से। तो ये नेकेड सीड इसका मतलब क्या बना, नेकेड सीडेड। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड क्या होंगे, नेकेड होंगे। इनके अंदर जो है, जैसे हमने एंजियोस्पर्म्स जो मोस्ट हायर प्लांट्स हैं जो हम फ्रूट खाते हैं उसके अंदर हमने देखा ना, उनके बीज जो है फ्रूट के अंदर छुपे हुए होते हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं होगा, ना इनके अंदर फ्रूट बनता है ना इनके अंदर फ्लावर बन रहे हैं। तो ये इसलिए इनके जो सीड हैं वो नेकेड हैं। इनके अंदर फ्रूट भी नहीं बन रहा, फ्लावर भी नहीं बन रहा, तो फिर इनके अंदर क्या बन रहा है जी, इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं कोन्स। तो ये कोन्स को हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होगी। इनके बाद इसके, जैसे हम पहले से भी पढ़ते आए हैं कि भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने देखा दो जनरेशन होंगी, एक जो है वो डोमिनेंट होगी, दूसरी जो है वो लेस इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड कर रही होगी डोमिनेंट जनरेशन पे। ब्रायोफाइट्स के अंदर जैसे हमने ये भी देखा कि वहां पे जो डोमिनेंट जनरेशन थी वो गैमेटोफाइट जनरेशन थी, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। यहां पे ये चीज हमने याद रखनी है कि यहां पे गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन डोमिनेंट नहीं है बल्कि वो डिपेंडेंट है, और जो यहां पे इंडिपेंडेंट ये डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये ज्यादातर जो है टेम्परेट रीजन्स के अंदर मौजूद है। ज्यूरेसिक पीरियड में ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। इसमें ज्यादातर एवरग्रीन ट्रीज शामिल हैं, वुडी स्टेम होता है जिनका, या शर्ब्स हैं इसके अंदर जो है वो, हर्ब्स इनके अंदर नहीं है। इनका बॉडी प्लान जो है, प्लांट बॉडी वही इनकी डोमिनेंट, जैसे मैंने कहा कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो इनकी डोमिनेंट होगी। और ये प्लांट बॉडी जो है यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लीव्स पे कंसिस्ट कर रही होगी। ब्रायोफाइट के अंदर हमने देखा था कि बॉडी थैलस थी सारी जो है, कुछ केसेस में जो है वो रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीव लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी। तो ब्रायोफाइट के बाद ट्रीडो उससे हायर थे, और ये जो जिम्नो हम पढ़ रहे हैं ये उससे भी ज्यादा हायर हैं। तो इनके अंदर ट्रू रूट मौजूद है, स्टेम भी और लीव्स भी। रूट जो है इनमें ज्यादातर टैप रूट है, प्राइमरी रूट जिसको हम कहते हैं, तो वो इनके अंदर ज्यादातर मौजूद है, और रूट के ऊपर रूट कैप भी मौजूद है। स्टेम इनके कैसे हैं, स्टेम इनके जो है वो वुडी हैं, और स्टेम के अंदर जो है वास्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। ब्रायोफाइट के अंदर हमने कहा था कि वो नॉन वास्कुलर हैं, इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी मौजूद हैं, और ये वास्कुलर बंडल रिंग की शक्ल में मौजूद हैं। स्टेम वुडी हैं तो मतलब इनके अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है उससे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएंगे, और इससे जो है वो स्टेम वुडी होगा। लीव्स इनमें जो है सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी। सिंपल मतलब जिनका अनडिवाइडेड लेमिना या लीव ब्लेड होगा, और कंपाउंड में जो है वो डिवाइडेड होगा। और इसके अलावा इनमें दो और भी कैटेगरीज हैं, जैसे ये यहाँ पे नजर आ रहा है, फोलिएज और स्केल लीव्स। फोलिएज ये जो आम ग्रीन लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, इनको हम फोलिएज लीव कहते हैं। और ये स्केल लीव्स जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको डायग्राम में, ये जो है ब्राउनिश कलर के या कलरलेस होते हैं, इनका काम ज्यादातर प्रोटेक्शन होता है। और ये लीव्स इनमें यूजुअली नीडल लाइक होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम किया जाए, जो जीरो फिटिक कंडीशंस है वहां पे ये खुद को अडेप्ट कर सके। इनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल की लेयर भी मौजूद होगी, और इनके जो स्टोमेटा होंगे वो भी संकन स्टोमेटा होंगे, यानी अंदर जो है वो एम्बेडेड होंगे एपिडर्मिस के अंदर। और इनमें दो तरह की कोन्स बन रही हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। कोन्स को हम यहाँ पे स्ट्रूबिलस भी कहेंगे, स्ट्रूबिलस सिंगुलर होगा और स्ट्रूबिलाई जो है वो प्लूरल होगा। और गैमेटोफाइट जो है वो इनका स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद जो है इसके हम करेक्टर देखते हैं मजीद। जिम्नोस्पर्म्स जो है ये हेट्रोस्पोरस है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो हमने स्पोरोफाइट बॉडी कहा ना डोमिनेंट होगी, उसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो दो मुख्तलिफ तरह के होंगे। मेल कोन के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स, और ये सेपरेट स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे जो कि मेल कोन के अंदर होंगे, और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे जो कि फीमेल कोन के अंदर होंगे।
और ये जो है इनके अंदर जो है स्पोरेंजिया दो तरह के हैं, ये हमने पढ़ लिया, माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया रिप्रेजेंट करते हैं पोलन सैक्स को, ये आपने याद रखना है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफिल्स के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल मेल कौन है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, उसके ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये रिप्रेजेंट करें पोलन सैक्स को, जैसे एंजियोस्पर्म्स के अंदर है पोलन सैक्स जिनके अंदर पोलन बनते हैं। तो इनसे इनके बाद डेवलपमेंट में अगली जो स्टेज है या अगले जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, तो इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया रिजेंबल कर रहे हैं उसी से, पोलन सैक्स से। और जो मेगास्पोरेंजिया है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओव्यूल्स को। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर बनेंगे, जो भी मैंने बात बताई स्टैमन्स, और ये माइक्रोस्पोरोफिल रिप्रेजेंट करेंगे एंजियोस्पर्म्स के स्टैमन को। इन चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब हम अभी इसकी दो तीन टाइप्स हम इसकी पढ़ेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और मेगास्पोरेंजिया जो है वो कहां पे बनेंगे, मेगास्पोरोफिल्स, फिल्स इनके नाम के साथ है, तो ये स्पेशल मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं एक्चुअली, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कार्पल्स को। इनके ऊपर जो है वो मेगास्पोरेंजिया बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर्स बनेंगे जो कि स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके अगली प्लांट बॉडी बना देंगे। तो कॉन्स की हम बात कर रहे थे, तो कॉन्स इनमें दो तरह की हैं, फीमेल कॉन जिसको हम ओव्यूलेट ओव्यूल कॉन भी कहते हैं, सीड कॉन भी कहते हैं, और मेल कॉन को हम पोलन कॉन्स कहते हैं। ये जो मेल फीमेल कॉन है इसके अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद होगा। अब ये चीज आपने याद रखनी है, जैसे हमने बात कर ली कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा तो गेमिटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं है, वो मच रिड्यूस्ड है। जैसे पिछले प्लांट्स के अंदर हमने देखा था ये ब्रायोफाइट, इसका ये वाला स्पोरोफाइट था और ये वाला जो है गेमिटोफाइट था, तो इतनी बड़ी गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी थी और थी भी डोमिनेंट। फिर उसके बाद हम ट्रीडो में आए तो ये फर्न्स के अंदर हमने देखा कि ये वाला जो है इसका गेमिटोफाइट है और स्पोरोफाइट जो है वो बड़ा होता जा रहा है, गेमिटोफाइट रिड्यूस्ड होता जा रहा है। और यहां तक तो ये जो है इंडिपेंडेंट था, यहां पे आके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आके ये गेमिटोफाइट इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया कि ये सिर्फ सीड की शक्ल में ही सीड के अंदर रह जाएगा, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेगा, बल्कि ये जो बड़ा सारा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है ये उस पर डिपेंड करेगा। स्पोरोफाइट बड़ा होता जा रहा है साइज में भी और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता जा रहा है और गेमिटोफाइट जो है रिड्यूस होता जा रहा है। एनजीओ के अंदर भी यही कंडीशन होगी, एनजीओ तो सबसे हायर है, उनके अंदर भी ये जो है बिल्कुल सीड के अंदर होगा गेमिटोफाइट स्टेज और ये जो प्लांट बॉडी है जो हमें प्लांट नजर आएगा ये स्पोरोफाइट प्लांट होता है। तो इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि ये हाउस है फीमेल गेमिटोफाइट्स का, यानी इसी कोन के अंदर ही, इसी स्पोर की वॉल के अंदर ही जर्मिनेट होके फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा। फीमेल गेमिटोफाइट वही आर्चिगोनिया बना देगा, आर्चिगोनिया के अंदर जो है वही एग होगा और यहां से ये आएंगे पोलन तो फर्टिलाइजेशन होगी। इसके अंदर क्या है, मेल गेमिटोफाइट्स होंगे, यानी वही बात कि अब इस कोन के अंदर ही जो स्पोर होंगे, स्पोर जर्मिनेट करके अपनी वॉल के अंदर ही मेल गेमिटोफाइट बना देगा और मेल गेमिटोफाइट जो है वो एंथ्रिडिया बना देगा, एंथ्रिडिया के अंदर वही एंथीरोजॉइड स्पर्म और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। स्टे इनसाइड टिश्यू ऑफ स्पोरोफाइट यानी कोन के अंदर है, हैप्लॉइड स्पोर्स इसमें बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे ओव्यूल्स बनेंगे और ये जो है मेल कोन जो है यूजुअली स्मॉल होगी और ये ज्यादातर टिप के ऊपर बनती है, जो एपिक्स है प्लांट की उसके ऊपर बनती है और ये वाली जो है ये ज्यादातर साइज में लार्ज होती है और ये लोअर ब्रांचेस पे बनती है। ये वही ट्रेंड जो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद इसके लाइफ साइकिल को आप गौर से देखेंगे, इसमें ये स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड बॉडी है, 2N है, इसके अंदर फीमेल कोन और मेल कोन बनेंगी, यानी दो अलग अलग कोन्स को ही हम स्ट्रुबिलस कह रहे हैं, ये मेल स्ट्रुबिलस, ये मेल और ये फीमेल स्ट्रुबिलस, ये डिप्लॉइड होंगी क्योंकि डिप्लॉइड प्लांट पे बनी है ना, 2N प्लांट पे, और ये डोमिनेंट जनरेशन है, ये याद रखना है। स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, मेन प्लांट बॉडी है। अच्छा, फीमेल कोन के अंदर बनेंगे मेगा स्पोरोफिल्स और मेल कोन के अंदर माइक्रो, माइक्रो छोटा, मेगा बड़ा, ठीक है। और वैसे भी कोन भी फीमेल कोन जो है साइज में थोड़ी बड़ी है, मेल कोन जो है वो छोटी है। अच्छा, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर बन जाएंगे माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, और मेगास्पोरोफिल के अंदर बन जाएंगे मेगास्पोरेंजियम।
माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉइड था, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे ये भी डिप्लॉइड होंगे, 2N2N, यहां तक 2N2N, आगे हो गई मियोसिस। तो मियोसिस है ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये बन रहे हैं माइक्रोस्पोर और यहाँ पे मेगास्पोर दोनों मियोसिस से बन रहे हैं, और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, तो ये दोनों हैप्लॉइड हो जाएंगे, और ये जो है स्पोर जर्मिनेट करके माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बना देगा, और मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। ये हैप्लॉइड स्पोर से बने हैं, तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों हैप्लॉइड होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, बिल्कुल सीड के अंदर ही मौजूद होंगे, और मेल गैमेटोफाइट की मेल गैमेट्स बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एग बना देगा आर्जुगोनियम के अंदर। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन, ये दोनों 1N है, हैप्लॉइड है, तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से 2N जायगोट बन जाएगा, यहां से जो है स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये जायगोट एम्ब्रियो बना देगा, एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा जो कि जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी बना देगा, और यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। पाइनस का जो स्पोरोफाइट है या जिम्नोस्पर्म, ये पाइनस उसकी टाइप है जो हम पढ़ेंगे, तो ये स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट को बना रहा है, और गैमेटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइट को बना रहा है, लेकिन पाइनस की ये जो जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट है ये डोमिनेंट जनरेशन है, और गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट जनरेशन है, रिड्यूस्ड जनरेशन है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है।